सो हमेशा की तरह हम हाजिर आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके। सो रिसेंटली मैंने ELTT पे एक वेब सीरीज देखी, पॉडोस्पोर सीजन 2। ये एक हिस्टोरिकल रोमांटिक थ्रिलर जॉनर वाली वेब सीरीज है जिसके डायरेक्टर है कैसी। तो आज हम रिकॉर्डिंग इस वेब सीरीज को जानेंगे कैसी वेब सीरीज, क्या वेब सीरीज आपके लिए देखने लायक है या नहीं। तो जानने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक, चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है काल्पनिक साम्राज्य पौड़ोसपुर की, जहाँ के राजा है विचित्र सेन। विचित्र सेन की 3 रानियां हैं। पौड़ोसपुर का जो नियम है वो काफी विचित्र है कि जो भी रानी गर्भवती होंगी उन्हें महारानी घोषित किया जाएगा और वो पौड़ोसपुर को संभालेंगी और उनके संतान बालिक होने तक महारानी सत्ता संभालेंगी। संतान बालिक होने के बाद संतान को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, ऐसा होने पर जो अभी राजा है विचित्र सेन, उनकी राजगद्दी उनसे छीन ली जाएगी। तो इसे आप इत्तेफाक मानिए या फिर कोई सोची समझी साजिश कि इतने सालों के बाद भी तीनों रानियों में से कोई भी अभी तक गर्भवती नहीं हुई है। आखिर क्या राज दफन है पौड़ोसपुर में, क्या रहती है इसकी पूरी कहानी, ये जानने के लिए देखिए वेब सीरीज पौड़ोसपुर 2 ओनली ऑन ELTT और सिमारो। इसका स्क्रिप्ट एंड इसकी स्टोरी टेलिंग एवरेज है। मुझे इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया भाई, कहानी ही नहीं है इसमें। पूरे सीरीज में हमें सिर्फ संभोग और साजिश ही नजर आती है। सीरीज में रानी और राजा की जो एटीट्यूड है बात करने की, वो किसी भी टाइप से राजा और रानी जैसा तो नहीं लगता है। जो डायलॉग फिल्म में डाला गया है वो डायलॉग मुझे अच्छा नहीं लगा। राजा के और भी कर्तव्य होते हैं, वो सब नहीं दिखा के सिर्फ और सिर्फ लस्ट को ही दिखाया गया। आप सोचो एक ऐसा काल्पनिक राज्य जहाँ के राजा और रानी दोनों लस्ट में डूबे हुए हैं और जहाँ के सैनिक तक वफादार नहीं है, उस राज्य की कहानी हमें दिखाई जाती है। इससे आप क्या एक्सपेक्ट कीजिएगा कि ये कहानी में कुछ भी देखने लायक होगा। एडिटिंग बिलो एवरेज है। पूरी वेब सीरीज लगभग 2 घंटा 44 मिनट की, सब इजिली 1 घंटा 40 मिनट या 1.25 घंटा का रख सकते थे। तो चलिए अब नजर डालते सीरीज के कास्टिंग के ऊपर। सो इस सीरीज के लीड रोल में है दीपक कौशिक केजरीवाल, शैलिन चोपड़ा, माही कामला, कौशिक राठौर आदि आदि ऐसे कलाकार। सभी की एक्टिंग से ज्यादा तो हमें ओवर एक्टिंग नजर आती है। कैरेक्टर्स को अच्छे से डेवलप नहीं किया गया है, जो इसका एक और ड्रॉबैक है। बात करें इसके थ्रिल की, तो हाँ इसका थ्रिल अच्छा है क्योंकि आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हो कि आगे क्या होने वाला है। क्लाइमैक्स की, तो इसका क्लाइमैक्स हमें सरप्राइज जरूर करता है। शॉर्ट्स ये एक एवरेज वेब सीरीज है। अगर आप चाहते हैं इसे देखना तो आप इसे देख सकते हैं, मैं इसे बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता। मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 3 out of 10 स्टार्स। पैनागैलेंस की बात करते हैं, टोटली 18+ है। अगर आपने इस सीरीज को पहले देखा है तो आपको ओपिनियन के हमारे साथ कमेंट शेयर करें। बाकी वीडियो में अगर आपको कुछ पसंद है वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इस पर शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ जिन्हें फिल्में देखना पसंद हो। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए। हम तब से फिर किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।